सिलाई मशीन के मोटर का पेडल का वायर कैसे डालें? तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका जो ये जो होता है वायर, इसका उड़ गया है। ठीक है, ये जो है इसका उड़ गया है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो ये प्लेट आती है ये, इसको पहले तो खोल देना है हमको। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मोटर ऐसे अब हो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर इसके जो ये जो होते हैं वायर वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके साथ भी हुआ है प्रॉब्लम, तो हमको ये पहले तो ये प्लेट खोल देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हो गई है मोटर बंद, तो पहले तो इसको भी चेक कर लेना है। ठीक है, अगर इसकी प्लेट ओके है, ये जो पट्टी है ये जो है कंप्लीट है, ठीक है, तो फिर इसके तार जो अपने होते हैं ये ऐसे उड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है वायर, तो इसको कैसे चेक करना है वायर को, तो ऐसे हमको क्या करना है, ये जो इसके है पुराने वाले, इसको हमको काट देना है वायर को। ठीक है, ऐसे हमको इधर से इतना इतना जो होता है माप, इतना इतना हमको छोड़ देना है, क्योंकि वो ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है, ये हमने काट दिए है। ठीक है, तो इसके जो थे ये जो है हम चेंज कर देते हैं वायर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें हमको ऐसा अपने होता है वायर हमको लेके आना है 4 मीटर या जितना भी आपको अंदर फिटिंग करना है, तो ऐसे जितना ये इसमें दो जो आते हैं वायर, दो आते हैं, ठीक है, दो आते हैं, तो इसमें इतना ने इतना आपको माप अपने होना चाहिए वायर, इसमें दो टुकड़े हैं। ठीक है, तो एक जो टुकड़ा है इसका हमको ऐसे काट देना है। ठीक है, ये इतना हुआ है, 1 मीटर का है, और एक जो है 2.5 या 3 मीटर का वायर है, तो ऐसा हमको काट देना है, दो इसको हिस्सों में कर देना है। ठीक है, दो बार इसको ऐसे कर देना है, ये जो दो हो गए हैं टुकड़े, ठीक है, ये हमने काट दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसे 4 ऐसे होते हैं, दो जो ऐसे होते हैं वायर उसमें से 4 तार होते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें 4 निकलते हैं, तो दोनों को ऐसे जॉइंट कर देना है, कोई भी दोनों दो को हमको जॉइंट कर देना है वायर। ठीक है, और इसमें से जो निकले ये ओनली फॉर ये दो रेड वाले सिर खाली बचे गए इसमें। ठीक है, तो इसको हमको ऐसे ये निकाल देना है वायर थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे हमको निकाल देना है। ये देखिए, इसके जो इसके दो थे टुकड़े, उसको हमने ऐसे एक में जॉइंट कर देना है, और ये जो दोनों बचे इसको हमको इसमें जॉइंट मार देना है पट्टी में। ठीक है, एकदम ही आसान है, आपको अगर ध्यान से वीडियो आप है ना पूरा देखिए, क्योंकि आपको ऐसे अपने आ जाएगा, घर पे भी कर सकते हो अभी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ऐसे कर देना है, काट देना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा काट देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो रेड वाले बचे हैं ऐसे, उसको ऐसे दोनों दो पट्टी होती है इसकी, उसमें जॉइंट कर देना है। ठीक है, एक में हो गया है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, अब ये एक बचा, ये रेड वाला, इसमें लगा देना है। ठीक है, ऐसे करके हमको इसका फिटिंग कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस पर हमको अच्छे से टेप होती है ऐसे, उसको हमको फिटिंग कर देना, टेप को अच्छे से लगा देना है ऐसे। ठीक है, सब तार में हमको ऐसे लगा देनी है टेप।